हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं संस्थाएं, आयोग और संगठन का। हमें जो इम्पोर्टेंट संगठन, आयोग या संस्थाएं लगी, हम उनसे रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। और हिमाचल से रिलेटेड जितने भी संस्थाएं हैं, आयोग हैं, संगठन हैं, तो उसका वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। WCD का जो योजनाएं हैं उसके साथ आपके सामने जल्द ही 2-3 दिन में जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने दोबारा से आपको क्लैरिफाई कर देता हूं और आपको याद भी हो जाएगा। जो बिस्किट्स हैं अजवाइन और ओट्स वाले, वो टूटू में बनते हैं, शिमला के टूटू में। ठीक है, दत्त नगर में जो है वो मिल्क प्लांट है, वहां से दूध बनता है। ठीक है, और मंडी का जो चक्कर है वहां पे न्यूट्रीमिक्स का जो है वो उत्पादन होता है। ठीक है, तो मंडी के चक्कर में न्यूट्रीमिक्स, शिमला के दत्त नगर में मिल्क, ठीक है, वहां से आता है मिल्क। और जो टूटू है वहां से बिस्किट्स आते हैं अजवाइन और रोट्स के। ये तीनों ही जो प्लांट हैं ये मिल्क फेड के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जो मिल्क फेडरेशन है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, लेकिन कौन सी जगह पे क्या बनता है, किस प्लांट में क्या बनता है, वो मैंने आपको बता दिया। टूटू में बिस्किट्स अजवाइन और रोट्स के, ठीक है, और आपके जो दत्त नगर शिमला वहां पे मिल्क, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका न्यूट्रीमिक्स है वो चक्कर मंडी में बनता है। इसके अलावा मैंने आपको डेज बताए थे, 1 और 15 तारीख को CBE डे है। कहीं पे भी जो भी है वो लेटेस्ट जो भी हम बता रहे हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, और 25 तारीख को ECC डे, और 24 को जो है वो कई कई जगह पे जहां पर है वहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस जो है वो हर 24 तारीख को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरी चीज, हाथ धुलाई के स्टेप्स। ठीक है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, अगर आप WHO की साइट पे सर्च करोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे, वहां 6 स्टेप्स बताए हैं। अगर आप ILA की साइट पे चेक करोगे, वहां पे आपको 5 स्टेप बताए हैं। ठीक है, और हम इसको जो है वो पूरा का पूरा आपके सामने इसका वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और कई जगह पे 7 स्टेप्स बताए हैं और कई जगह 9 स्टेप्स भी बताए हैं। ठीक है, तो हम अगर वर्तमान में अगर क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्योंकि ILA का जो मॉड्यूल्स हैं शायद 17 या 16 17 ऐसी, जो हमारा जो 15 16 17 18 वाला जो मॉड्यूल है उसमें कहीं पर है ये। अगर आप वो 16 17 18 वाला जो मॉड्यूल वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पे जो स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं, तो हम वो भी दिखाएंगे। साथ ही साथ WHO ने जो 6 स्टेप्स बताए हैं वो भी बताएंगे, तो सारा का सारा उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा, देखिए जो चीज चलेगी चलेगी, ठीक है, आंसर की में क्या आता है नहीं आता है, हम उससे रिलेटेड सारी क्लैरिफिकेशन आपको क्लियर कर देंगे। क्योंकि ठीक है, कई तरह की भ्रांतियां हैं इससे रिलेटेड, वो भी हम क्लियर करेंगे। और ये संस्थाएं आयोग, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, निप्सिड है, ठीक है, और भी जो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, और भी चीजें हैं जो वो हम देख लेते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो जो है हम आपके सामने लाए हैं, और धीरे धीरे हम जो भी उससे रिलेटेड वीडियो है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं संस्थाएं, आयोग और संगठन। ठीक है, तो सबसे पहला है यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ICDS को जो भी पैसा आता है, जो भी फंडिंग होती है, वो यूनिसेफ से होती है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोग्राम है। ये जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन है ना, उसके 6 अंग है, तो ये उसका पार्ट नहीं है, 6 अंगों का पार्ट नहीं है यूनिसेफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अलग अलग से उनके वो जो जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ठीक है, ये उनके अलग जो एजेंसीज हैं वो हैं ये। ठीक है, ठीक है, तो खास तौर पे ये जो बच्चों की जो है स्वास्थ्य, उनका न्यूट्रिशन, उनकी शिक्षा, ठीक है, और उनका जो जनरल वेलफेयर है, ठीक है, उनके कल्याण से जुड़ा हुआ संगठन है ये, बच्चों से जुड़ा हुआ संगठन है। ठीक है, एक तरह से बाल, इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष है ये। ठीक है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, उनके पोषण, उनकी शिक्षा और उनके जो सामान्य कल्याण है उससे जुड़ा हुआ संगठन है ये। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये क्वेश्चन आता है, ये 1946 में एस्टेब्लिश हुआ पूरी दुनिया भर में जो है बच्चों को क्या रिलीफ देने के लिए। ठीक है, खास तौर पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय, आपको पता है ना सबको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। ठीक है, तो 1945 के बाद जो दूसरे विश्व युद्ध में जो बच्चों की स्थिति थी उनको रिलीफ देने के लिए,
ठीक है, सहायता देने के लिए ये संगठन एस्टेब्लिश किया गया था विश्व युद्ध में, जो बच्चे जिनको जो बेचारे असहाय हो गए थे, ठीक है, या जो उस त्रासदी में जो बच्चे जो से पीड़ित थे, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, तो 1946 में इसका कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आईसीडीएस से रिलेटेड है, कब एस्टेब्लिश हुआ, 1946 में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो आफ्टर 1950 द फंड डायरेक्टेड इट्स ऑल एफर्ट टुवर्ड्स, तो ठीक है 1950 के बाद तो इसने सीधा बच्चों के लिए ही काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। यूनिसेफ को ठीक है यहां जैसे लिखा है कि नेम इट अडॉप्टेड इन 1953 यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो 1953 से पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। और इसको जो 1965 में जो है वो नोबल पीस प्राइज भी मिला है, नोबल शांति पुरस्कार जो है, आपको पता है नोबल पीस जो नोबल प्राइजेज हैं, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने उनकी स्थापना की थी, तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यूनिसेफ को नोबल प्राइज कब मिला है, तो 1965 में इनको नोबल प्राइज मिला, और किस क्षेत्र में मिला है, तो शांति के क्षेत्र में, जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स है, पीस है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, एक और क्षेत्र है आपका, मतलब टोटल 6 क्षेत्रों में जो है वो नोबल पीस प्राइज मिलता है, ठीक है। लिटरेचर है, तो यूनिसेफ को जो पीस प्राइज मिला है, नोबल पीस प्राइज, वो 1965 में मिला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, तो वो न्यूयॉर्क में है। अब ये न्यूयॉर्क कहां पर है, सबको पता है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, अमेरिका की राजधानी जो है, अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए कहा जाता है, ठीक है। तो वॉशिंगटन डीसी जो है उसकी राजधानी है, लेकिन न्यूयॉर्क जो है वो उसका सबसे बड़ा शहर है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में। और अगर आपको पता होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी जो है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। यूनिसेफ को पीस प्राइज कब मिला, 1965 में मिला। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, 1946 में हुई, ठीक है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ठीक है। मेन काम बच्चों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो आईसीडीएस है वो भी बच्चों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो भी है, तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और उनका जो वेलफेयर है वो प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों में जो एचआईवी एड्स का संक्रमण है उसको रोकने के लिए भी जो है वो यूनिसेफ ने जो है सपोर्ट का काम शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसेफ के बाद है हमारा नेक्स्ट यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को की पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है ये, ठीक है। तो इसका मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरह से स्पेशलाइज एजेंसी है, अंग नहीं है ये, मैंने पहले ही बताया अंग सिर्फ 6 हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, आप जीके की बुक में जाएंगे, हम जो मैंने बताया आपको जीके का भी टॉपिक लेकर आएंगे, तो अभी फिलहाल उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। इसका यूनेस्को का गठन भी जो है वो 1946 में हुआ, ठीक है, और मेन काम इसका है एजुकेशन, साइंस और कल्चर के ऊपर है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो ठीक है। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है यूनेस्को के, 3 चीजें हैं, एक संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति का संगठन है ये, ठीक है, तो यूनेस्को के एक फुल फॉर्म। दूसरा, कब ये एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, तो 1946 में एस्टेब्लिश हुआ, किस क्षेत्र में काम करता है वो हमने देख लिया, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है, उसका मुख्यालय कहाँ, पेरिस में, ठीक है। तो ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मेन शुरुआत में जब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये यूरोप में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो स्कूल वगैरह, लाइब्रेरीज, म्यूजियम जो है वो एकदम मतलब डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो उसको दोबारा से बनाने के लिए जो है ये एस्टेब्लिश हुए थे। साथ ही साथ ये जो दुनिया भर में जो निरक्षरता है, इलिटरेसी है, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए इसका जो है वो निर्माण किया गया था। पर मेन हमने यूनिसेफ में तो हमारे काफी कुछ है बताने के लिए, पर यूनेस्को में जो है मेन यही चीज है कि एक इसकी फुल फॉर्म
दूसरा 1946 में इसका गठन और तीसरा पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं निप्सिड। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि जितनी भी सीडीपीओस की ट्रेनिंग है वो निप्सिड में होती है। ठीक है, निप्सिड के पहले आपको फुल फॉर्म है, जैसे कि सुपरवाइजर की ट्रेनिंग अभी फिलहाल जो होती है वो बामा में होती है, सोनीपत है, राई बालग्राम, खासतौर पे मतलब जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी हैं, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, तो उनके जितने भी सुपरवाइजर है, चंडीगढ़ है, तो उनके सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग जो है वो सोनीपत में होती है, हरियाणा के सोनीपत में, राई बालग्राम एक जगह है। इस तरह से सीडीपीओस की जो ट्रेनिंग होती है वो निप्सिड्स में होती है। अब इसके अलग अलग जो है वो जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका मेन निप्सिड का जो मुख्यालय है जो पूरे देश का है वो है दिल्ली में। पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं निप्सिड की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो ये है ये पब्लिक कोऑपरेशन, ठीक है, जन सहयोग और बाल विकास का राष्ट्रीय संस्थान है ये। ठीक है, तो जन सहयोग और बाल विकास का राष्ट्रीय संस्थान है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। ठीक है, जन सहयोग और बाल विकास का ये जो है राष्ट्रीय संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट। तो निप्सिड की ये फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ठीक है, और इसके कुछ रीजनल सेंटर हैं, जैसे गुवाहाटी है, 1978 में एस्टेब्लिश हुआ, मैं बाद में आऊंगा, बाद में इसके बाद रीजनल सेंटर की बाद में बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं मुख्य काम क्या है। ये एक ऐसा संस्थान है, ठीक है, भारत में जो बच्चों के अधिकार, उनकी संरक्षण और उनके विकास से जुड़े हुए काम करता है। एक तो रिसर्च का काम भी करता है और पूरे देश भर में जो है उससे जितने भी रिसर्च है और जो भी डाटा है आईसीडीएस से रिलेटेड जितना भी काम है ना देश भर में वो निप्सिड में होता है। ठीक है, देश भर का जितना भी रिसर्च का काम है, जो भी योजनाएं लॉन्च होती है, कहीं ना कहीं वो निप्सिड में जाती है, निप्सिड में ही बनती है, वहां से ही लॉन्च होती है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक तरह से भारतीय सरकार की एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, और निप्सिड किसके अंतर्गत है, किस विभाग के अंतर्गत काम करता है, ये महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो है वो काम करता है। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम कहें कि महिला और बाल विकास विभाग का अगर कोई ऐसा संस्थान है जो रिसर्च का काम भी करता है और ट्रेनिंग का काम भी करता है तो वो निप्सिड है। चाहे वो डीपीओज हैं, चाहे वो सीडीपीओज हैं, चाहे वो अपर लेवल के अधिकारी हैं, इवन कई बार सुपरवाइजर्स की भी जो ट्रेनिंग है वो निप्सिड में जो है वो होती है। ठीक है, रिसर्च का काम करता है, ट्रेनिंग का काम करता है और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, वो सारा काम जो है महिलाओं से और बच्चों से जुड़ा हुआ भारत में वो निप्सिड का काम है। ठीक है, निप्सिड की फुल फॉर्म याद हो गई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसका जो है इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, ठीक है, तो ये 1966 में बनाया निप्सिड जो है। ठीक है, अच्छा, निप्सिड जो है वो उसके चार रीजनल सेंटर हैं, एक गुवाहाटी में है जो 1978 में बना, एक बैंगलोर में है जो 1980 में बना, एक लखनऊ में है जो 1982 में बना और एक इंदौर में है जो 2001 में बना। और अभी अभी खास तौर पे पांच राज्यों के लिए, पांच क्या, चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि अब तो खैर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, मैं तब की बात कर रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर जो होल राज्य था, एक पूरा राज्य था। ठीक है, तो 2019 में, जनवरी 2019 में मोहाली में भी जो है वो निप्सिड का एक और रीजनल सेंटर एस्टेब्लिश हो गया, यानी टोटल रीजनल सेंटर की जो संख्या है वो पांच हो गई है। ठीक है, तो जितने भी सीडीपीओज, डीपीओज या जो भी हमारे कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर इवन, तो अब उनकी जो ट्रेनिंग का जो सारा, दिल्ली में तो वो जाते ही हैं, लेकिन जितनी भी जो ट्रेनिंग का जो भी भार है अब वो मोहाली लेगा, पंजाब वहां जाएगा, पंजाब के जितने भी सीडीपीओज हैं उनकी ट्रेनिंग अब मोहाली में होगी, पहले लखनऊ में होती थी, हिमाचल के सारे सीडीपीओज वहां जाएंगे, हरियाणा के सारे वहां जाएंगे, जम्मू कश्मीर के वहां जाएंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और साथ साथ चंडीगढ़ के, तो ये पांच स्टेट्स का जो है अलग हो गया, पहले ये लखनऊ में होता था, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का। ठीक है,
तो निपसिट के बारे में क्या है, किसकी फुल फॉर्म, ठीक है, आईसीडीएस के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये कार्य करता है। 1966 में इसका जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया और वर्तमान में 5 इसके रीजनल सेंटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, ठीक है। राज्य महिला आयोग भी है संगठन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आयोग, आयोग का मतलब है एक तरह से कमीशन है, और ये जो है इसको मान्यता प्राप्त है आपके संविधान के अनुच्छेद के अनुसार। तो जो राज्य महिला आयोग है उससे जुड़ा हुआ जो हम वीडियो है वो जो भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम्स वगैरह है उसके साथ लेकर आएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW भारतीय संसद ने 1990 में पारित किया, और 1992 में जो है ये एक तरह से जो है संविधानिक निकाय बना है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, स्टेटूटरी बॉडी बोला जाता है इसको, सांविधिक निकाय, स्टेटूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नहीं है, ठीक है। मेनली महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी हैं उनके हित के लिए, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी शिकायतें हैं, ठीक है, और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ काम जो है वो करती है, ठीक है। कई जगह जो है वो ये भी लिखा गया है, ठीक है। जनवरी 2092 में गठित किया गया, 1993 में मैक्सिमम लिखा गया, 92-93 जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी डेट है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था पहले भी कई वीडियोस में कि जो जयंती पटनायक थी 1992-93 में वो इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और रेखा शर्मा जो है वर्तमान में जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य यही है, महिलाओं से जुड़ी जितने भी अधिकार हैं, ठीक है, तो उनको आवाज देना, दहेज है, ठीक है, राजनीति, धर्म, नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, और श्रम के लिए जो है अगर जहां पे भी शोषण होता है महिलाओं का, ठीक है, तो उसे ठीक है तो उसकी जांच करती है, और इस तरह के जो है खास, और इसके अलावा महिलाओं को राहत और पुनर्वास वगैरह देने के लिए भी जो है ये कार्य करता है राष्ट्रीय महिला आयोग। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो कौन इसका वर्तमान में चेयरमैन है और कब ये गठित हुआ, तो 1992 है इसका डेट, ठीक है। कई जगह आपको 93 भी मिलेगा। फिर है हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। तो ये आयोग की स्थापना जो है वो हिमाचल, यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक 2005 का एक्ट है, ठीक है, बाल संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन जो है ये एक तरह से हिमाचल प्रदेश चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है। तो 2005 में एक एक्ट आया था, ठीक है, बच्चों के जो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड है, 2005 का जो एक्ट है, तो उसके अंदर 2007 में इसका जो है वो इसकी स्थापना की गई, हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, ठीक है। और बाल संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ना, NCPCR, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, NCPCR की फुल फॉर्म है नेशनल, सी से कमीशन, पी से प्रोटेक्शन, सी से चाइल्ड और आर से राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो उससे जो है ये रिलेट करता है, तो हर राज्यों को जो है वो अपना जो है वो स्टेट जो है वो CPCR जो है वो गठित करना पड़ता है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो जो NCPCR है वो 2005 का है, ठीक है, और 2006 में भारत सरकार ने भी लागू किया। तो उसी तरह से फिर हिमाचल में भी जो है बाल संरक्षण बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो 2007 में जो है वो गठित किया गया, और मेन इसके अंतर्गत इस हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो है वो सारे बच्चों की जो भी देश भर में है और हिमाचल में जो है सभी बच्चों के लिए जो है वो आवाज उठाता है, और 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो सुरक्षा और सम्मान के महत्व को उसको जो भी है उसको महत्व प्रदान करता है। मतलब हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण आयोग जो है वो 0 से 18 साल के बच्चों को जो है वो सुरक्षा, ठीक है, प्रदान करता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन से संरक्षण से जुड़ा हुआ आयोग है ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण आयोग 2007 में एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है महिला और बाल विकास विभाग। हिमाचल सरकार ने अलग से महिला और बाल विकास विभाग जो है, विभाग तो नहीं है मतलब उसका विंग बनाया था, वो 2011 में बनाया था, ठीक है, पर भारत सरकार में जो है 1985 में ही जो है महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1985 में महिला और बाल विकास विभाग है, और इसका एक तरह से अलग से मंत्रालय भी बना दिया गया था,
ठीक है। तो ये जो है ये वर्तमान में बस आपने ये इसमें यही याद रखना है कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था भारत में 1985 में, हिमाचल में 2011 में, ठीक है। और वर्तमान में मंत्री कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। तो जुबिन इनके पति का नाम है, जुबिन ईरानी। तो स्मृति ईरानी जो है वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, देश में कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं राज्य मंत्री कौन है, ठीक है। बाकी हम इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, आपको सारा पता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रीय महिला कोष, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला कोष जो है RMK, इसकी स्थापना महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च 1993 में की गई। एक तरह से ये स्वायत्त निकाय है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत, ठीक है। तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, तो उसमें ये रजिस्टर्ड है राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है। तो 1993 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो मेनली ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं भारतीय बाल कल्याण परिषद, ठीक है। तो ये 6 से 18 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है। ये भारत वीरता पुरस्कार और बहादुरी पुरस्कार और ये सब देता है। 1957 में हुआ था इसका, ठीक है। ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद देखेंगे उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय पोषण अभियान चल रहा है। तो ऐसा कोई संस्थान है पूरे देश भर में, ठीक है, जो पोषण के बारे में सोचता है? तो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है वो 1918 में की गई थी, सर रॉबर्ट मैकर्सन ने की थी 1918 में। खास तौर पे बेरी बेरी जो रोग होता है ना, B1 की वजह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो आता है उसमें बेरी बेरी एक रोग है, तो उन्होंने लैब एस्टेब्लिश की थी पास्चर इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में, कन्नूर में, ठीक है। तो बाद में जो है फिर 1928 में जो है डेफिशिएंसी डिजीज इंक्वायरी, और 1928 में जो है ये फिर इसका नाम जो है वो पड़ गया था नेशनल न्यूट्रिशन रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, अभी इसका नाम नहीं पड़ा है अभी, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थापना 1918 में जो की थी वो की थी सर रॉबर्ट मैकर्सन ने, ठीक है। बाद में 1928 में, ठीक है, और मेन 1918 में बेरी बेरी रोग की पहचान के लिए की गई थी। 1928 में इसका नाम जो बदल कर रख दिया गया था वो रखा था नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। डॉक्टर मैकर्सन जो थे वो इसके पहले डायरेक्टर बने थे, ठीक है। ये कहाँ था उस समय 1928 तक या 1918 में? ये था कर्नूर तमिलनाडु में, ठीक है। इसको हैदराबाद में शिफ्ट किया गया 1958 में, ठीक है। और जब इसके एस्टेब्लिशमेंट के लगभग 50 साल हुए 1918 से 1969 में, तो इसका नाम बदल के रख दिया गया 1969 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कहां पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान वो है हैदराबाद में। 1918 में रॉबर्ट मैकर्सन ने इसकी स्थापना की थी खासतौर पर बेरी बेरी रोग के लिए। बाद में 1928 में इसका नाम न्यूट्रिशन रिसर्च लेबोरेटरी पड़ गया, NRL, और उसके पहले निदेशक बने थे डॉक्टर मैकर्सन, ठीक है। 1958 में इसको तमिलनाडु के कर्नूर से, 1958 तक ये कहां पर था? 19 तमिलनाडु के कर्नूर में। 1958 में फिर कर्नूर से इसको शिफ्ट कर दिया गया हैदराबाद में, और 1969 में जब इसके 50 साल पूरे हुए, ठीक है, तो उस समय इसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पे जब राष्ट्रीय पोषण अभियान चल रहा है। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत सारा मैटर जो है आपको यहां से मिल जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जाना, उसमें आपने वेबसाइट को खोलना, वहां पे नीचे को जाना, विकास पीडी आता है, वुमेन हेल्थ, ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य, और उस दौरान जो जितनी भी जो भी कितनी मात्रा में क्या, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, क्या क्या चीजें जो हमें चाहिए होती हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। और हम भी जो अभी वीडियोस लाने वाले हैं वो हमने काफी सारा डाटा जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से जो है वो
हमने वो जो है बोरो किया है, ठीक है, हमने लिया है वहां से, अभी हमने एक भी वीडियो जो है वहां से आपके सामने जो है प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन हो सकता है हम आगे जो जितने भी डाटा है वो, क्योंकि ये खासतौर पर जब हमारा पोषण अभियान लॉन्च हो गया है, कितनी कैलोरी चाहिए, कितने प्रोटीन है, कितने विटामिन है, ये सारा कुछ हमें वहां से जो है वो प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको इस इंस्टीट्यूट को जो है वो खास तौर पे नेशनल जो जो आपका पोषाहार अभियान, पोषण अभियान जो चला है उससे रिलेटेड आपको जरूर ये इसको देखना चाहिए, नेट पे इसको सर्च करना है आपने, ठीक है। फिर है रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, आपको सबको पता है 8 मई को हम रेड क्रॉस डे मनाते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आपको यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि प्रतिवर्ष 8 मई को जो है वो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। मैंने जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछा भी था, तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई 1863 में, किसने की, हेनरी ड्यूनेंट ने की, इसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में, और जिनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है जिनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, हेनरी ड्यूनेंट ने की, कब की, 1863 में की, कहां पे की, जिनेवा में की, और आज भी जो है मुख्यालय रेड क्रॉस का कहां पर है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस को 3 बार नोबल पीस प्राइज मिल चुका है, ठीक है, 1917 में वर्ल्ड वॉर था उस समय चला हुआ, 1914 से 18 तक, 1944 में अगर आप ध्यान से देखें तो उस समय भी विश्व युद्ध चला हुआ था 1939 से 45 के बीच में, तो 1917 में 1944 में विश्व युद्ध के दौरान जो भी इन्होंने काम किया था तो उसके लिए, और 1963 में 3 बार रेड क्रॉस को नोबल पीस प्राइज मिल चुका है, ठीक है। और अगर हम देखें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आपदा आती है, विपदा, जैसे कोई युद्ध वगैरह है, तो उस समय जो भी कठिनाइयां होती हैं लोगों के सामने, तो उनको राहत दिलाना उसका जो है मेन उद्देश्य है, ठीक है। 8 मई को हम हर साल जो है वो रेड क्रॉस डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, सर हेनरी ड्यूनेंट ने, उनका उस दिन जन्मदिन था, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य वैसे जो है घायल सैनिकों की मदद करना था और उनकी जो इलाज करना था वो मेन इसका काम था। अब तो क्योंकि युद्ध वगैरह कम होते हैं तो अब महामारी या कोई बीमारी है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें जो है वो मानव सेवा का कार्य जो है वो रेड क्रॉस करता है, ठीक है। तो मेन आपको रेड क्रॉस के बारे में, एक इसकी स्थापना कब हुई 1863, किसने की, हेनरी ड्यूनेंट ने की, कहां मुख्यालय है, जिनेवा में, कितनी बार नोबल पीस प्राइज मिला, 3 बार 1917, 1944 और 1863 में, कब रेड क्रॉस डे मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था जिन्होंने स्थापना की थी, हेनरी ड्यूनेंट ने, ठीक है। ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यूएनओ, हमने यूएनओ इसलिए डाला कि यूएनओ जो है अपने आप में बहुत बड़ी एजेंसी है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 24 अक्टूबर को जो है इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, यहां कहीं आपने यहां देख, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, ठीक है। और शुरू के जो 50 देश थे उसमें भारत भी एक ऐसा देश था, गुलाम था भारत, लेकिन उसने साइन किया था इस पे, ठीक है। तो अब तो इसके लगभग 190 से ज्यादा सदस्य हो चुके हैं यूएनओ के, ठीक है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, सुरक्षा है, आर्थिक विकास, सामाजिक, मानव, विश्व शांति के लिए काम करता है, वर्तमान में जैसे आप देख सकते हैं 193 देश हैं, ठीक है। तो एक इसका जनरल असेंबली है, एक इसकी सुरक्षा परिषद है, एक इसकी आर्थिक और सामाजिक परिषद है, एक सचिवालय है, एक अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, तो लगभग 6 इसके जो संगठन है, इसमें 5 ही दिखाए हैं आपको, 6 इसके जो है अंग हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना। और लास्ट है WHO, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। दुनिया भर में जितना भी स्वास्थ्य से जुड़ा जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, उसमें सहयोग करता है ये, और एक तरह से स्टैंडर्ड जो है वो स्थापित करता है WHO। जैसा कि आपने, मैं बता रहा था आपको कि हाथ धोने के जो स्टेप्स हैं वो WHO ने 6 बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम ग्रोथ चार्ट आज इस्तेमाल कर रहे हैं आंगनवाड़ीज में, वो भी WHO के हैं, वो पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया भर में यही स्टैंडर्ड जो है वो WHO के इस्तेमाल किए जा रहे हैं ग्रोथ चार्ट के, बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। तो एक तो WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा लगभग 194 सदस्य देश हैं इसके, ठीक है।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तो जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, उस दिन हम पूरी दुनिया भर में जो है वो हेल्थ डे मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे 1948 में, ठीक है। और WHO का मुख्यालय कहां पर है? ये भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है। और अभी वर्तमान में ट्रेडोस एडोरनाम, ठीक है, गैब्रियासिस जो है वो WHO के जो है नए डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं, तो आपने याद रखना ये भी, ठीक है। पर मेन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है, हेल्थ से जुड़ा हुआ संगठन है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वो जिनेवा है, और जिनेवा जो है अपने आप में स्विट्जरलैंड है। और इथियोपिया के जो डॉक्टर हैं ट्रेडोस एडरनाम, ठीक है, गैब्रियासिस, इस समय WHO के जो है नए महानिदेशक जो है वो निर्वाचित हुए हैं। तो ये कुछ हम संगठन लेकर आए थे, और भी कुछ हमारे संगठन हैं वो जो भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपने इससे रिलेटेड और भी संगठन है, संगठनों की तो काफ़ी सारी संख्या है हमारे पास, पर हमने जो हमें लगा कि जो LDR सुपरवाइजर या सुपरवाइजर के जो ICDS से रिलेटेड जो भी है एग्जाम, उससे रिलेटेड जितने भी संगठन संस्थाएं और आयोग हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हमने इस वाले वीडियो में आपके सामने जो है प्रस्तुत किए थे। बाकी हम जितना भी हमारा बचा हुआ वीडियो है, जो भी संगठन है, वो हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।